still drive me crazy. Hey. The idea. The idea is pretend mommy hold the cup. Come back. Have a good idea. Do you know? Mommy hold the cup, walks the stomach book, and daddy will chug the stone with the cup. Oh man, we fed him. What? ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕੋ All right, डेढ़ बज चुके हैं और हमारा होने वाला है लंच और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कल का चिकन ब्रेस्ट जो हमने बनाया था. लेफ्ट ओवर चिकन ब्रेस्ट पड़ा है, इससे मैं बनाऊँगी चिकन वाला केसडिया. अच्छा लंच हो जाएगा. उसमें मैं ऑल्सो डाल रही हूँ पेपर्स एंड अनियन और स्पिनच डालूँगी खूब सारा. इस पे मैंने क्या डाला है, इस पे मैंने डाली है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा रेड चिली एंड नमक, क्योंकि मैं थोड़ा इंडियन फ्लेवर का बनाने वाली हूँ इसलिए, क्योंकि ये तंदूरी चिकन है. सो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे ऐसी मैंने स्पाइसेस डाल दी हैं और हमारे पास मेरा केसडिया रेडी है. इस चीज़ों को लेके जाएंगे हमारे ग्रिल के पास और क्विक हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी थी आज सुबह से और अभी मैंने एक व्लॉग को एडिटिंग फिनिश की है और वो फिर सेव हो रहा है. तब तक मैं ये कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं. सो ये क्विक लंच हो जाएगा और इस पर हम स्प्रेड करेंगे ननी सी मायनेस एंड देन हमारा सैलड एंड चिकन एंड नन्नू सा चीज़, क्योंकि हस्बैंड को चीज़ अच्छा नहीं लगता है. सो मैंने नोटिस किया है कि मैं बहुत बार मेरे व्लॉग्स में बोलती रहती हूँ हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता. देखो कितना ख्याल रख दिया मैं मेरे पति का. सो बनाते हैं, वो फ़ोन पे बिजी हैं हमेशा की तरह. तो हमारा डिलीशियस एंड हेल्दी फिलिंग रेडी है. मैंने थोड़ा चीज़ डाला है एंड थोड़ी सी केचप. अब इसको बंद करके हम करेंगे ग्रिल. ओके गाइस, लुक एट दिस क्लीन एंड शाइनी हाउस. आई स्पेंड 2 hours टू क्लीन दिस एंटायर हाउस और अब हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए. सो यस, ये है हमारी ट्रेल और हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं. इस साइड काइंड ऑफ हाइया और इसके साथ साथ वॉक है. हिम्मत एक्चुअली डर रहा है. सो हिम्मत स्टीप एरिए से डर रहा है. स्केरी तो है भाई, बंदा डिग तो सकता है. ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पे हमें वॉक करते हो चुके हैं 20-30 minutes. एक्चुअली हमने रिजर्व कराया था पार्क में आना, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के आप पार्क में आ नहीं सकते हैं. सो हमने कराया था 3 to 5. हम लेट हो गए थोड़ा, पर चीज़ सेट कि तुम 2 घंटे स्पेंड कर सकते हो अंदर. सो हो या अराउंड 2 hours स्पेंड करेंगे, लास्ट ही करेंगे. ऑलमोस्ट हमारी ये ट्रेल फिनिश हो रही है, उसके बाद हम जा रहे हैं घर और इट वॉज गुड एंड आई एम टायर्ड एंड अच्छा वर्कआउट है. सो वॉक करते करते हिम्मत एंड रोजा डैडी 10-10 बार लड़ते हैं, फ्रेंड बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, कभी कुछ करते हैं. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਡੈਡੀ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਜੋਕ ਕਰਾ ਕੀਤਾ. ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਦੋਸਤੋ. ਸੋ ਹਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਬਾਰੀ ਆਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣੇ ਕੀ. ਔਰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਆਪਕੋ ਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਸੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਔਨ ਬਲੌਕ. ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਥਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ SPF ਆ,
ये मैंने कॉस्को से लिया था। वैसे दो चार ब्रांड बनाते हैं ये, और मेकअप के ऊपर करने के लिए बेस्ट है, और इसका SPF 30 प्लस है, सो दैट्स गुड। और आप हर एक दो घंटे बाद कर लो मुंह पे, एंड योर स्किन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन। और मुझे ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे स्किन पे स्कार्स हैं, और अगर मैं नहीं करूँगी तो वो और डार्क हो जाएंगे, और जितनी भी हमारे उन्होंने करंटली मेहनत कर दी सारी हो जाएगी बेकार। सो यस, दिस इज़ माई SPF स्टोरी, एंड दिस इज़ माई हस्बैंड मेकिंग हिज इंस्टा स्टोरी, एंड ही वॉन्ट टू मेक TikTok। नो सॉरी, देखियो सानू कहते चुप कर जो, क्योंकि मैं स्टोरिया बना लै नहीं, सानू रोकन का की मकसद है थोड़ा? बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, पर यार यहाँ पे बहुत 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 अच्छा है, और हवा चल रही है थोड़ी तो पत्तों की आवाज़ आ रही है, और मुझे ये आवाज़ें इतना पीस देती हैं, इतना मज़ा देती हैं ना, सो बैठ के लाइक मेडिटेटिव फील होता है, लाइक बिना मेडिटेशन के आप ऐसे फील करते हैं कि आपको बहुत सारी एनर्जी मिल गई है, सो आप फील करते हैं रिजुवेनेट, इट्स वेरी नाइस। सो अगर आप सैड हैं, अनहैप्पी हैं, तो बाहर जाएं, नेचर में थोड़ा समय स्पेंड करें, पंछियों को सुने, पत्तों को देखें, और हवा नू फील करो, पानी नू फील करो, पर रूल्स के अंदर रह के, ओके? आजकल तो फिर आपको रूल्स ही बढ़िया। ऑल राइट, सो अब हमारी वॉकिंग होने वाली है ख़त्म, और आई गॉट दिस बिन बैग, जो भी ये सिखाता है वो सारा कुछ मैंने इसमें पैक कर लिया है, क्योंकि खाली हाथ वॉक करना बहुत मज़ेदार लगता है, और जो आपके हाथ ताजे सामान हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। सो यस, दैट्स अ वेरी लिटिल स्टोरी अबाउट गार्बेज बैग। मॉम इज़ अ गार्बेज बैग मैन, द फक गार्बेज। Yes, you're right. And then she's here too. She's garbage bin house. प्यारे दोस्तों, सो हम वापस घर पहुंच चुके हैं। अब चाय पानी पीने का मन है, पर डिनर का भी समय हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि डिनर जल्दी कर ले, क्योंकि अगर हम लेट खा के सोते हैं तो पेट भरा रहता है, तो फिर नींद नहीं आती अच्छी। तो आज डिनर के लिए कुछ डिलिशियस बनेगा, क्योंकि बहुत दिनों से बोरिंग खाना खा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। सो यस, अब मैं टीवी देखने वाली हूँ थोड़ी देर, हस्बैंड थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए अपस्टेयर चले गए हैं, और घर के अंदर एंटर किया तो घर इतना क्लीन था, क्योंकि अर्लियर मैंने आपको दिखाया चमकदार मस्त फ्लोर मारदा पे लिशका, तो इन्नी खुशी होंगी है ना मैनू, इन्नी खुशी मैं नहीं करानी। हाँ, सो बाहर जाने के लिए मेरा मन नहीं है, वैसे बहुत कह रहे हैं, पर मैं यहाँ पे बैठ के करने वाली हूँ आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स का रिप्लाई। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, आई लव यू गाइस सो मच। एंड अब हम करेंगे रिप्लाई। सो बिरयानी में हम डालेंगे गार्लिक, अनियन एंड थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें ग्रीन इलायची है, जीरा है, बड़ी इलायची है, एंड बे लीफ, तेज़पत्ता एंड दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्ची एंड लौंग, और इसमें मैं दही भी डाल रही हूँ जिसको मैंने छन्नी में डाला है ताकि पानी ख़त्म हो जाए, और इसमें मैं डालूँगी ड्राई मिंट लीव्स, और राइस यूज़ करेंगे और चिकन लेग्स यूज़ करेंगे। यूजली मैं मैरिनेट करती हूँ चिकन लेग्स को, पर आज साढ़े को समय की कमी होने करके मैरिनेट नहीं करेंगे। तो मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ, ऑयल डाल लिया है मैंने, और ये अदर गैस ऑन है कि क्योंकि इस पर मैं राइस बॉयल करके थोड़े थोड़े बॉयल एंड ऊपर बाद में बिछाएंगे। सो शुरुआत करेंगे हम खड़े मसालों के साथ, सारा कुछ ही पा लेना ही इकट्ठे पा लेंगे काली चिया, जब मसाले की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, लाइक जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा
आपको टोटल ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, लाल अंडे। ओके अब अनियन ऐड कर देंगे हम। अब अनियन को कुक होने, तो हमारे अनियन कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक एंड थोड़ी सी लाल मिर्ची, नो हल्दी। यस, सो दही ऐड कर दिया है मैंने। ओके तो मैंने चिकन ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ा कुक करेंगे और जब आपको लगता है कि हाफ कुक हो जाएगा तो हम इस पर राइस डाल देंगे, राइस को बॉईल करके लाइक ऑलमोस्ट। सो चिकन कुक हो रहा है, अब मैं राइस डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ओके सो राइस बॉईल हो रहे हैं और थोड़ा सा इसको बॉईल करेंगे, देन वी गोना लेयर आवर चिकन। चिकन ऑलमोस्ट 50-60% कुक हो गया है, बाकी राइस ना होगा। ओके सो राइस कुछ इस तरह के दिख रहे हैं और मैंने बिरयानी पे डाल दिए हैं। अब हम इसको कुक करेंगे बहुत ज़्यादा स्लो करके, बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। लाइक मुझे सीटी नहीं चाहिए, ऐसे ही कुक मुझे लगेगा। लाइक 10-15 मिनट बाद मैं खोल के देखूँगी, ऑलमोस्ट हो चुका होगा। सो प्रेशर कुकर बंद है, अब कुक होने देंगे। प्रेशर कुकर को खोल के धनिया डाल दिया, अब मैं इस पर नींबू डाल दूँगी थोड़ा, एंड देन हम थोड़ी देर के लिए और बंद कर देंगे। में हमने खाई है बिरयानी और आई होप आपको ये नन्ही सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अब मैं किचन की क्लीनिंग करके फिनिश किया है, किचन कर रही है शाइन, ऐसे लग रहा है कि कभी कहाँ पे कुछ कुक नहीं हुआ है। किचन को इतना नाइस एंड क्लीन कर दिया है मैंने, जैसे यहाँ पे कभी कुछ कुक हुआ ही नहीं है। आपको पता नहीं है यहाँ पे कितने मील कुक होते हैं, और जब ऐसी मेरी किचन को क्लीन कर देती हूँ मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। नाइस एंड शाइनी है मेरी किचन। और हस्बैंड एंड हिम्मत थोड़ा बाहर समय स्पेंड करें क्योंकि बाहर बहुत अच्छा वार्म है, मैंने पहले भी कितनी बार बता दिया है और आपको ये बहुत बार सुनना पड़ेगा, घर कितना चमक रहा है मैन हैप्पी, आपको ये बहुत बार सुनना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जब गर्मी होती है तो हमें हो जाते हैं त्यौहार, हमें लगता है कि फेस्टिवल्स आ गए। सो नन्नी से बिरयानी खाई है, अब उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करती हूँ। सो यस दैट्स इट।